फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड का पटना में जाल बिछता जा रहा है। मीठापुर फ्लाईओवर काम भी अब शीघ्र पूरा हो जाएगा। इसके बनने के बाद पटना से गया आना जाना आसान हो जाएगा। पुल के निर्माण कार्य में लगे लोगों का कहना है कि यह पुल 5 से 6 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। पुल के बारे में जरा बताएंगे इस सर? पुल का पाया सब खड़ी हो गया है, पिलर जो कहते हैं जो खड़ी हो गया है, और बहुत दिन जल्दी इसको उद्घाटन हो जाएगा। और 3 पाया पिलर खड़ी हो गया है और ये सीधे आपको ढूलेगा अनिता सिन्हा के पार। वो आपको लोअर कोट फिर से चढ़ेगा भी, उतरेगा भी दोनों, और जाके इसमें मिलेगा। और हम मानते हैं कि 1 से 2 महीना में पुल रेडी हो जाएगा। और किस किस जगह से कहां तक जोड़ रहा है ये आपको लेबर कोट से उठाएगा, पुल लेबर कोट से उठाएगा और इसमें मिलाएगा। किस किस कहां मिलाएगा? और आपका मबी रास्ता वाला पुल में मिलाएगा, करबेगा या पुल में मिलाएगा। किस रोड पे खड़ा है ये पुल? ये पुल आपका मीठापुर ओवरब्रिज पर खड़ी है। ये आपका नीता सिन्हा के पार गिरेगा और चढ़ेगा भी दोनों। गयालन गुमटी के पार है वो, मीठापुर गिरेगा और गयालन गुमटी के पार परसा गया रोड में गिरेगा। अच्छा, एक और नया पुल शायद बनने वाला है। मीठापुर से लोकेटेड रोड आ रहा है जो मीठापुर गुमटी का पूर्व साइड से आएगा, जो कृषि भवन का जमीन में आको जो मिलेगा उसका। इधर उधर काम लगा हुआ है, इधर अभी नहीं लगा हुआ, इधर मार्किंग दिया हुआ है, देखिए वो लाल मार्किंग दिया हुआ है। वो सरकार का घर टूटेगा, वही कृषि भवन का जमीन है, वही टूट के आएगा और यही मिलेगा। वो आ रहा आपका मोहली टू मीठापुर एलिवेटेड रोड है उसका। इसके निर्माण पूरा होने के बाद पटना से सिपारा, खगौल, पुनपुन और मसौढ़ी आना जाना आसान हो जाएगा। यह पुल बनने के बाद मीठापुर पुल फ्लाईओवर महुआली एलिवेटेड रोड वाया सिपारा के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा। यह रेल ओवरब्रिज पटना गया रेल लाइन के समानांतर बन रहा है। मीठापुर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पिछले 19 वर्षों से बंद पड़ा था, लेकिन जिला प्रशासन की सक्रियता के बाद 27 घरों को तोड़ा गया। ये मकान ही फ्लाईओवर के पुनपुन लेन के निर्माण में सबसे बड़ा बाधक बने हुए थे। लगभग 800 मीटर की दूरी पर अवरोधों के कारण पूरा फ्लाईओवर का परिचालन रुका था, लेकिन अब ये मीठापुर पुल फ्लाईओवर महुआली एलिवेटेड रोड वाया सिपारा के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा। इसके निर्माण से मीठापुर सिपारा एतवारपुर कुर्थौल परसा व मोहली जाने में सहूलियत होगी। इसके बनने से पटना से गया जाने में ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल जाएगी। इस पुल को एलिवेटेड कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा। मीठापुर फ्लाईओवर के दक्षिण पश्चिम लेन से शुरू होकर यह मोहली में प्रस्तावित ROB के निकट समाप्त होगा। इसकी कुल लंबाई 9 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 2 अंडरपास का निर्माण किया जाना है। एक चाणक्या विधि विश्वविद्यालय के पास बनेगा। इससे गया से पटना आने वाले वाहनों को मीठापुर बस स्टैंड रोड में संपर्कता मिलेगी। सिपारा गुमटी के ऊपर 2 लेन का ROB भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है।
ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें।